Rahul and Pam, please welcome on the stage. राजपूत लड़ाई करने जाते थे तो जाने से पहले उनकी अर्धांगिनियां अपना धड़ यानी अपना सर काट के अपने पतियों के हाथ में दे देती थी और कहती थी कि आप परेशान मत होना, आपकी आरज़ू सलामत रहेगी। कुछ उसी बारे में बताने जा रहा है हमारा ये बैंड अग्नि गुला, जिसने अपना नाम भी अग्नि गुला रखा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम देम। मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा पूनम ढिल्लों जी से, प्लीज एक बार स्टेज पे आइए मैम, योर प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। यू आर वन ऑफ द गॉर्जियस लेडी आई एवर सीन एंड आई रियली ग्रो अप वॉचिंग यू एंड देयर वाज अ ड्रीम कि हम कहीं स्क्रीन शेयर करें, आज ये मंच शेयर कर रहे हैं। सर प्लीज वेलकम पूनम मैम for bringing the bouquets up here. 4-5 members I need here. Can you help us? So welcome ma'am, welcome, thank you so very much for digging out your very prestigious time for us. Thank you so very much. Aap se main chahunga do shabd to zarur aaj main bagair kahe jaane nahi dunga aapko. Ma'am please, for the people, 2 words from your side. गुड इवनिंग। आई वुड जस्ट से वन थिंग कि जब कोई अपना एक नया कदम आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा बड़ा कदम कि आप 2 फिल्में साथ में लॉन्च कर रहे हैं, मैं चंद्रकांत जी को और उनकी वाइफ नीरज को, वो नीरजा नहीं है, नीरज हैं सिर्फ, सो दे आर इक्वली डोमिनेंट पार्टनर्स। आई वुड विश देम ऑल द बेस्ट। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा वक्त है फिल्म इंडस्ट्री में आने का, क्योंकि एक हट के अलग अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं। वो एक टिपिकल जो एक इरा था कि सिर्फ बॉय मीट्स गर्ल एंड नाच गाना वाली फिल्में नहीं, आजकल बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे और अलग अलग टैलेंट्स को लेके फिल्में बन रही हैं। सो आई विश यू बोथ ऑल द सक्सेस, विश योर फिल्म्स ऑल द सक्सेस एंड आई मस्ट से आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और वाकई बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी। एंड द बैंड वॉज रियली ट्यूली टैलेंटेड, क्योंकि मैंने इस किस्म का बैंड नहीं देखा है पहले, मुंबई में तो नहीं देखा है, शायद राजस्थान के लोगों के लिए ये फिर भी एक कॉमन चीज़ हो। वी आई रियली इन्जॉयड द म्यूज़िक एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एंड आई विश यू सुपर सुपर गुड लक। तो आपकी फिल्म की 100 डेज हो, जुबली हो, जब भी होगा फिर आप फिर से बुलाइए एंड वी विल कम एंड celebrate with you. Good luck and God bless you. Thank you. Thank you so very much, ma'am. मेरा जीवन तो धन्य हो गया आपके मुंह से तारीफ सुन के। और मुझे आज घर में ना खाना मिलने नहीं वाला है, अपनी भाभी का नाम भूल गया, कमाल है, कमाल है, कमाल है। So ladies and gentlemen, कारवां आगे बढ़ाते हैं। दशक बदले, दुनिया बदली, जमाना बदला और बदले हमारी फिल्मों के किरदार भी। ये हमारी इंडस्ट्री है, ये ऐसे आती है, ऐसे आती है और ऐसे जाती है और उसी से खूबसूरती के साथ हमारे सामने बहुत खूबसूरत नायाब चेहरे देखे जाती है। किसी ने एक लेवल बनाया, उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है और ऐसी ही खूबसूरत, जी हाँ, हर दिल अजीज, सबके दिलों में बसने वाली आज हमारे साथ बैठी हैं। जाना चाहेंगे कौन? दिल्ली वालों जानना चाहोगे? आवाज नहीं आ रही है? ओके, इंतजार की घड़ियां खत्म। मैं यहां बुलाना चाहूंगा द फेम ऑफ द वर्ल्ड अमीषा पटेल। गाइस तालियां, रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू अमीषा इन द गार्डन from the directors and the producer
of Cinemirchi Productions to the most gorgeous lady, one of the most gorgeous lady I can say, I correct my words, Ameesha Patel. Ameesha, it was, I seriously don't know, but yes, this, you know, a place called Mumbai, this makes your dream come true. And today one of, another one of my dream is just, you know, came true, that I'm sharing a stage with you. And so just now I'm fumbled, you know, twice. You know, when you are standing in with such a gorgeous, pretty actresses who have done a remarkable job in the industry, to aisa ho jata hai. Ameesha ji, two words for the Cinemirchi production and Chandrakant and family. More than two words, why be confused? Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to congratulate and thank Mr. and Mrs. Sharma for being so kind to invite me. A launch of a production house is something extremely special. You need extreme guts, courage, and may I be so strong as to say balls of steel. And that too, not one, but with two ventures simultaneously. I launched my own production house, Ameesha Patel Productions, a while back, and my debut film, Desi Magic, is going to be seeing the light of day very soon. I know how hard it is to be behind the camera as well as in front of it, but being behind it is very, 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 very difficult. And again, I reiterate, not with one, but two projects simultaneously. I'm privileged to be part of this evening, to be in the prestigious company of the most beautiful lady, Mrs. Poonam Dhillon ji, who I was an ardent fan. And every time I look at her, I mean, I've grown up singing her songs and loving her gorgeous long hair and trying to grow it like that. And always seeing myself and saying, you know, I want to age as beautifully and gracefully as her, where she can actually give a run for her money, I mean, our money, even today to all of us youngsters. So, and Rimi, who's been a colleague and a friend and, you know, been with me all the time, and she's giving me flying kisses from there, so I'll give it back to you later. But thank you guys for this honor. The band, I must make a mention, was so energetic, so enthusiastic, so talented. And it's a first time viewing and seeing pleasure for me as well. I have shot and visited Rajasthan very avidly, and I've had the good fortune to see and experience a lot of the musical culture amongst a lot of the other cultures. But this was really, really unique and just goes to show the kind of cinema y'all are going to make, because y'all have chosen someone unique to come here and perform with us tonight. And so I'm sure that even the films y'all will make will be really unique and loved, like the performance today was loved. So I want to thank y'all once again. Wish y'all the very, very, very best, because production is no easy job. We've got a fabulous partner and I'm sure you'll make the best of it. I'd like to be called for the success party as well. Definitely. So here's wishing them a very, very successful Mirchi Lagado Cinemirchi Productions game. Wow! Talia! Thank you so very much, Ameesha. Thank you. Rehman, ek second, wait. So I'm always happy when someone wants to do something new, and I think that when they're joining our industry or itna mushkil kadam le rahe producer banne ka, to hamari industry ko unka support karna chahiye, and as a part of the film industry, I wish them all the very best. बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अपने इंडस्ट्री को सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगता है मुझे और बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके एक प्रोडक्शन के लॉन्च पे, क्योंकि प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन सबसे मुश्किल स्टेप है.
Yes, my film Desi Magic will release very soon. It's under the banner Ameesha Patel Productions, and usme main double role ka kirdaar kar rahi hu. To bahut din baad cinema mein ek nahi do do Ameesha dekhne milenge. Aur I hope ki mujhe utna hi pyar aur utna hi support mile apne fans se jaise hamesha milte aaya hai. Well, I feel that every woman should have her voice to speak and justice should be done. And I'm glad that people are coming forward with their stories because it gives others more strength. Thank you. सर थोड़ा पीछे हो जाइए ना एक आदमी गोबे जी थोड़ा पीछे यस सर शर्मा जी इधर यस 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 सर ऑल ऑफ यू थैंक यू मैडम अरे थैंक यू क्यों बोलता है तुम डायरेक्टर इधर बैठा है आज को लेके इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आधा घंटा पहले मैंने कहा है कि मुझे इनविटेशन मिला है आई थिंक 5:30 को मुझे इनविटेशन मिला है इसका और मैं दौड़ते दौड़ते आई भागते भागते आई क्योंकि पहला स्टेप है इनका इस प्रोडक्शन में और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी पर्सनली चंद्रकांत जी और नीरज जी दोनों को बहुत अच्छे लोग हैं
और मैं चाहती हूँ उनके साथ हमेशा अच्छा हो और हमेशा खुश रहे वो लोग। मैं अभी फ़िलहाल एक्टिंग तो नहीं कर रही हूँ, मैं खुद अपना प्रोडक्शन हाउस संभालने का कोशिश कर रही हूँ। हमने 2 साल पहले एक फिल्म बनाई थी बुधिया सिंह बॉर्न टू रन, जो एक ट्रू स्टोरी पे आधारित था, एक छोटी एक 5 साल के बच्चे के ऊपर जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था उसको दौड़ने के लिए, मैराथन रनर। उसको नेशनल अवार्ड मिला था 2015 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म के लिए और अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ और कमर्शियल फिल्म बनाने का, स्क्रिप्ट के लिए वेट कर रहे हैं, मिल गया तो उसी में ही लग जाऊंगे काम पे और क्या। ऐसी कोई पर्सनल एक स्क्रिप्ट पे काम चल रहे हैं, अगर वो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज क्या करेंगे, ढूंढते ही रहेंगे ऐसे। नहीं ट्रू स्टोरी नहीं, वो थ्रिलर है। मी टू देखिए, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हमारे कंट्री को कुछ ना कुछ चालू करने के लिए किसी और का इंस्पिरेशन और किसी और का मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है। हॉलीवुड ने मीटू चालू किया तो इसका मतलब उसके बाद इन लोगों ने मीटू चालू किया, अभी तक साइलेंटली बैठे हुए थे। जब भी ऐसा होता है तब भी बोल देना चाहिए, ताकि इसमें डरने का क्या बात है, आपका कसूर थोड़ी आपके साथ ऐसा हुआ है। तो अगर किसी के साथ ऐसा फेस कर रहे चीज़ें तो आई थिंक तभी के तभी बोल देना चाहिए, सबको मालूम पड़ना चाहिए कि वो आदमी कैसा है। Thank you. Oh yeah. Thank you. Then thank you. सजदा